अगर हम आपसे पूछे कि प्रेम की परिभाषा क्या है तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, आप यही कहेंगे कि निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भाव ही जो है वो प्यार की असली परिभाषा है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि एक कहानी सामने आई है उत्तर प्रदेश के मऊ से, जहां पर एक प्रेमी ने एक विवाहिता जो महिला थी उसको मौत के घाट उतार दिया है। कहानी बहुत उलझी हुई है। साफ तौर पर इस कहानी में आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी जो आपके होश फाख्ता करने के लिए काफी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां पर एक महिला की मौत हो जाती है और आरोप लगता है उसके प्रेमी पर। महिला की सास बताती है कि उसका बेटा पिछले एक साल से गायब है, जिसमें इसी आरोपी का हाथ है, और अब उसकी बहू को भी मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसका प्रेम प्रसंग लगभग पिछले 3 सालों से ही एक युवक के साथ चल रहा था। पूरी कहानी क्या है, क्योंकि बहुत उलझी हुई कहानी नजर आ रही है, इसे जानने के लिए चले विस्तार से इसे समझते हैं। मऊ के थाना हल्दरपुर क्षेत्र के मोहवा विजयगढ़ गांव में एक विवाहिता महिला के प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की सास ने बताया कि उसका बेटा पिछले 1 साल से गायब है और गांव के ही एक युवक के साथ 3 सालों से उसकी बहू खुशबू का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बेटे के गायब होने में भी इसी आरोपी का हाथ था। रात में इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पहले खुशबू ने फोन करके पुलिस को बुलाया और उसके बाद थाने में अपने प्रेमी की शिकायत करने पहुंच गई। थाने से लौटते वक्त खुशबू को उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने भी इस पूरे हत्याकांड में दोनों के बीच अवैध संबंधों की बात कही है। घटना के बाद पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। पूरे मामले पर महिला की सास ने जो बताया वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। उसका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 1 साल से, जी हाँ, 1 साल के लंबे वक्त से उसका बेटा गायब है और ऐसे में अब उसकी बहू को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या कुछ कह रही है मृतक महिला की सास, चलिए आपको सुनवा देते हैं। अपन ना पता कि रात में का करूँ, समझा ना मन का जन्म हमको तो अपन घर रह गया। और 2-3 बीघा दूरी पर मुर्गी फार्म में रहुए। अब रति के ठंडा देखते बन जाके मन का ठंडा में क्यों जाए। ना पता कि का करूँ से काना फेन सवेर खन सब नंबर बोलौल से ना फेन चले लो फेन हल्दरपुर थाना पर आ गया। अब ना पता कि का कर काना अपन गई लिए डर में अपन जाके मर दिए नाई पति तक्की सर बस गायब हम। अच्छा, सर गायब करब ले। अच्छा, घरे ना हम। तो मारा किसने है? जैसे फसल है मर ले। अच्छा, क्या बताया गांव में कम बार लड़का। इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी सुनते हैं। आज दिनांक 12/1/2023 को समय लगभग 3:30 बजे थाना हल्दरपुर के गांव मुग्राम मुहवा में खुशबू वाइफ ऑफ रामानंद की प्रदीप सनाफ राम केवल ने धारदार हथियार से मार करके हत्या कर दी है। हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की तलाश जारी है तथा अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। घटना का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। ये पूरी कहानी रिश्तों के ताने बाने में ऐसी उलझी थी जिसे सुलझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में आप पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल कई है। पिछले 1 साल से जो मृतक का पति गायब है वो कहाँ है? सबसे बड़ी बात यह कि ऐसी कौन सी बात थी जिसमें इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि महिला अपने प्रेमी की शिकायत करने थाने पहुंच गई, और उससे बड़ी बात कि कैसे प्रेमी ने उसे निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।